है ना, यहाँ पे इसको ब्लर करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड डाल दे तो वो ब्लर हो जाएगा ना, वो चला जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, मैं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्यवेद क्लास। तो आज हम लोग आए हुए रॉक गार्डन, यहाँ का सीन्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर पत्थर देख के खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम लोग इसी की स्टडी करेंगे अच्छे से, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या गलती कर दिया, पत्थर वाले क्यों नहीं जाएगा, मतलब खुद से बना दिया था वहाँ का, इतना दूर का क्यों बनाया, पास का भी तो बना सकता था। देखो यहाँ सामने वाला पत्थर कैसा लग रहा है ना, ये वाला सीन, हाँ ये वाला सर, ये तो बहुत मस्त बनेगा ना, तो इसी को बनाते हैं, है ना। तो पत्थर में क्या है, ऐसे करो पत्थर ना थोड़ा सा बनाते जाओ, उसमें शेडिंग डालते जाओ, यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे झाड़ी बनाएंगे थोड़ा सा, है ना, और यहाँ पे पत्थर बना रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा में ना पत्थर बनाएंगे, ठीक है, आगे से पेड़ जा रहा है। तो देखो मुझे ना यहाँ पे पत्थर का ना ये पार्ट ना बहुत खूबसूरत लगा, देखना ऐसे, हाँ ऐसे देखो ना, हाँ डेप्थ में ना डार्क डार्क लग रहा है ना, ऐसे देखना, है ना, ये पत्थर ऐसे अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, ये चीज़ देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो गया ये वाला, और यहाँ पर जस्ट इसके बगल में यहाँ पे वापस फिर से इसकी डार्कनेस बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो क्यों ना ऐसे ऐसे हम लोग थोड़ा सा शेड्स लेके चले तो कैसा रहेगा बताओ, अच्छा लगेगा ना। इससे क्या होगा पता है, कौन सा पार्ट हमें कहाँ पे बना रहे हैं ना पता चलता रहेगा ना, नहीं तो हम लोग बनाते बनाते भूल जाते कि कौन से बना रहे ना, है ना। ये देखो यहाँ से ये ऐसे पेड़ टेढ़ा मेरा जा रहा है ना, है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे, है ना। पेड़ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या पता है, एक साइड कोण बना लो, उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि नीचे मोटा होगा और ऊपर पतला होता जाएगा ना, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक आया ना ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे जैसे गाँठ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे और गाँठ वाठ आ रहा है, देखना इसके और पतला हो जाएगा ना, ये है ना, यहाँ पे ऐसे है ना, देखना ये है ना, आगे जा करके और पतला हो रहा ना इस तरह से, ठीक है। और अब क्या करना है, जैसे कि कुछ कुछ यहाँ पर टहनियाँ निकालेंगे तो अच्छा लगेगा, चलो वो तो बाद में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मुझे ना यहाँ पे जो सेट्स में आ रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे ना ये इसमें जो गड्ढा हो रहा है कितना मस्त लग रहा है ना, ठीक ना, ये मतलब ये नहीं ना, जैसे ये देखो यहाँ धस रहा है ना, ये देखने से है ना, ये नीचे से वापस बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है। और इसको भी गोल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे तो देखो वापस गोल हो गया, कितना आसान तरीका नहीं है, देखना मज़े में बन गया, है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड्ढा कर दे तो, है ना, ये देखो है ना इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ना, चलो ये बाद में ना पेड़ में बना लेंगे, कितना सुंदर लग रहा है ना पेड़ देख रहे हो ना, ठीक है। तो पत्थर में क्या है, थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा सेट्स डालते जाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ऐसे ना कैसे कैसे ये जा रहा है, नहीं यहाँ पत्थर है ना, ये देखो ऐसे ना, जब आप पहाड़ पत्थर का सीन बनाओगे ना तो वहाँ पर ये सब ये वाला चीज़ बहुत काम आएगा ना। अब जैसे जैसे कि हम लोग कोई पहाड़ वाला एरिया में तो जा नहीं सकते, है ना, तो क्या, तो इसका मतलब थोड़ा कि वो नहीं सीखेंगे, तो हम लोग इससे सीख सकते हैं ना, है ना। यहाँ पर देखो ये कैसे कैसे जा रहा है, देखना इन्हें सेट्स डाले, पेपर तो अच्छा ही है, हाँ सर अच्छा चल रहा है पेपर, पेपर अच्छा चल रहा है ना, तो एक अच्छा पेपर पे बनाने का अलग ही मजा आता है ना, हाँ सर है ना, हाँ मैंने घर पे भी ट्राई किया था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था ना, देखो इस टेक्सचर कितना अच्छा है ना, हाँ सर है ना। तो वही बात है ना कि बहुत मुश्किल से अच्छा पेपर मिलता है, हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छे से पेपर मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे पेपर की क्वालिटी ख़राब होता जा रहा है ना, सिर्फ दाम बढ़ रहे हैं, हाँ क्वालिटी, जैसे समोसा दाम बढ़ते वक्त छोटा नहीं हो जाता है, हाँ सर वैसे ना, हाँ सर है ना, यहाँ पे देखो ऐसे करके ना, ऐसे हो सकता है कि दाम बढ़ा करके अच्छा चीज़ निकाल देना ना, ठीक है, ये ऐसे देखना, ये पत्थर ऐसे जा रहा है ना, देखना है ना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा लाइट लाइट शीट्स आ गए, देखना है ना। अब बताओ कहाँ पर डार्क होगा, ये तो लाइट होगा, ये डार्क होगा ना, हाँ सर ये डार्क होगा ना। अब इसको ऐसे घुमाना है, क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे इधर डार्क करेंगे और इधर वाला एक एरिया को छोड़ देंगे ऐसे, देखिए तो ये पत्थर ऐसे घूमता हुआ दिखेगा ना, देखना ये देखो है ना, ऐसे देखना देखो गड्ढा चला गया, लग रहा है कि ऐसे घूम रहा है ना। तो सोचो क्या क्या ऐसा चीज़ें जो कि हम लोग यहाँ पे आराम से सीख पा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं पत्थर, देखिए ये ऊपर नीचे करके है ना, यहाँ पे यहाँ भी पत्थर है ना टूटा है ना। हाँ सर, कितने सालों में टूटा हुआ पत्थर ना, देखना। हाँ सर, बहुत टाइम लगता है एक पत्थर टूटने में। हाँ है ना, हम लोग कितना बार इंसान जन्म लिया हुआ, मर गया हुआ, तब उसके बाद ये इतने सालों में टूटा हुआ धीरे धीरे ना। तो यहाँ पे मिट्टी है ना, देखिए है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अंधेरा करना पड़ेगा ना, देखना है ना। अभी अभी इतना करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये तो कम रह गया, इसे ज़्यादा करना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ पे देखो ये जैसे यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है ना लाइन, ये देखो ऐसे ऐसे ना, ऐसे मिला मिला करेंगे तो पत्थर का ज़्यादा फील आएगा ना। पत्थर जैसा लग रहा है, लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो वही है, ठीक है। तो हमें समझना, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं गड्ढा है, तो यहाँ पे डेप्थ के लिए हल्का फुल्का शेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का यहाँ पे शेडिंग डाल सकते हैं ना। और अगर हम लोग इसे पेंसिल से बनाना सीख गए तो फिर कलर करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सीधा कलर से करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पर लाइट करना, कहाँ डार्क करना, तो कैसे करेंगे वो कलर, है ना। तो मुश्किल होगा ना वो काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पत्थर आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, लेकिन इस पे ना पत्तियाँ हैं, देखो कितना मस्त मस्त कुछ पत्तियाँ से निकल रही है ना, कुछ आगे से है ऐसे करके, है ना। ये इसको डार्क करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे है ना। नेचर ने किसी चीज़ को एक जैसा नहीं बनाया ना, हर चीज़ कुछ ना कुछ चेंज होता है, पता है। और जहाँ पे एक जैसा हम लोग करने लगते हैं तो वो समझो डिज़ाइन बनने लगता है, जेन्युइन चीज़ों से हम लोग दूर हटने लगते हैं यहाँ पे ना, है ना। यहाँ पे पत्तियाँ जैसे यहाँ पे पत्थर पे रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना, ये चीज़ है ना यहाँ पे ऐसे ना, ठीक है। यहाँ पे और घना घना है ना पत्ती, ऐसे देखना ऐसे, यहाँ पे बहुत घना घना पत्तियाँ बहुत सारा है ना, ठीक है। तो होगा क्या पता है कि इसमें ना कुछ कुछ पत्ते को वाइट वाइट जैसे धूप पड़ता है ना तो दिखेगा, और कुछ को यहाँ पे हल्का हल्का शेड्स डाल देते हैं, देखना ऐसे शेड्स डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सबसे आसान तरीका। देखो ये ना कितना आसान तरीका, ठीक है। अब ये क्या, जब हम ऐसे कर रहे हैं, अभी शायद आपको लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में देखने कितना मस्त लगेगा देखने में ये। देखो अब क्या करें, इसको बचाव करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका चमक जैसे धूप पड़ता है तो चमकने लगता है ना, तो ये देखो ना ऐसे, ठीक ना, अच्छा है ना ऐसे, ठीक है। और अभी ये कुछ भी नहीं, अभी कुछ देर के बाद और अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये एक बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, इसको कर रहे हैं, उसके बाद देखना, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ निकालेंगे, अब देखो, अब जैसे ये वाला पत्ती निकालना है, क्या करेंगे इसके नीचे और डार्क करेंगे तो ये निकल जाएगा ना, देखना है ना। इसके नीचे डार्क करेंगे तो देखो यहाँ वाला एक पत्ती निकल गया, दो पत्ती निकल गया ना, यहाँ पर डार्क करेंगे तो ये और ये निकल गया ना, देखना। तो देखो जैसे बाहर है तो लाइट दिखेगा, अंदर है तो डार्क दिखेगा ना, है ना, ठीक है। तो वाटर कलर भी तो हम लोग इसी प्रोसेस से करते हैं ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से, है ना, हमें आर्टिस्ट की तरह नहीं एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए ना, है ना। तो कब सोचेंगे साइंटिस्ट की तरह, जब हम लोग नेचर पे आएंगे ना, जेन्युइन चीज़ों को समझेंगे ना, है ना। इसका थ्योरी पढ़ लेंगे तो नहीं होने वाला ना, है ना। इसे आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट तभी बनेगा जब नेचर में जाएगा और वहाँ से कुछ सीख के आएगा, ठीक है। नेचर हमें बहुत कुछ सिखा देता है ना, है ना, जितना कुछ किताबों में नहीं होता। किताबों में क्या होता है, जो राइटर है जितना नोटिस करेगा उतना ही लिखेगा ना, और हम लोग क्या उससे ज़्यादा नोटिस नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। हो सकता है वो कुछ और नोटिस करेगा, हम लोग कुछ और नोटिस करेंगे ना, ठीक है। तो वही है कि जो हम लोग खुद से नोटिस करते हैं वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है, याद रहता है, लेकिन है ना पढ़ लेते हैं तो क्या हो सकता है कि पढ़ने बाद कुछ देर के बाद भूल भी जाए ना। हाँ, है ना, कितना मज़ा आता है ना कुछ किसी दिन हम लोग सीखते हैं खुद से तो। हाँ सर, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। हाँ, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ना, हाँ, है ना, यहाँ पे से डार्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखना, ये देखो ना, है ना, यहाँ पे पत्ती निकाल रहे, ठीक है।
और क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल कर देंगे ना तो यहाँ से नज़र हट जाएगा ना, तो क्यों डिटेल करें ना, यहाँ पे पत्थर ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए ऐसे से छोड़ दे रहे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, ऐसे यहाँ पे पत्ती निकालना, तो यहाँ पे हमें इसमें फिनिशिंग डालना पड़ेगा ना, है ना। अब पेंसिल छील के बनाएंगे तो और अच्छा से निकल जाएगा ना। यहाँ पे पत्तियों से घना करें इसको, देखना ठीक है। यहाँ पे दरारें, दरारों को थोड़ा डार्क कर लेते, ठीक है। तो सीन क्या होगा कि दो पत्थर में अंतर दिखाई देने लगेगा ना, है ना, ये चीज़, ठीक है। दरारों के पास हमें थोड़ा थोड़ा टेक्सचर, पत्थरों में जो टेक्सचर आ रहा है ना, है ना, ऐसे लगता है कि यही टूट करके रेत मिट्टी बनता होगा ना, है ना। तो क्या पहाड़ों से ही रेत मिट्टी निकलता है या फिर मिट्टी से भी रेत निकलता हुआ ना? हाँ सर। और पहाड़ों से भी कुछ कुछ आता हुआ ना? हाँ सर। तो ये सब नेचर हमारे लिए कितना काम का चीज़ है ना, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा निकालने की कोशिश की, ठीक है ना, ये चीज़। और देखो इसका शेडो इस पर बनेगा, हाँ सर, है ना। ये देखो ये ऐसे से बनेगा ना इसका शेडो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे से शेड्स डाल सकते हैं ना। हाँ है ना, ऐसे ना, कितना मस्त लग रहा है ना। इसका पत्तियों का भी साइड यहाँ पे बनाया, कितना मज़ा आएगा ना, है ना, इस तरह से, ठीक है। और क्या है कि ये पत्थर को अगर हमें अच्छे से दिखलाना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला एरिया में तो शेड से डालना पड़ेगा ना, है ना। अगर ये डार्क हो तो और मस्त लगेगा, निकल के आ जाएगा ना, है ना, निकल के आ जाएगा। और ज़्यादा सीन बनाने से अच्छा है कि इतना ही को अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो काफ़ी सुंदर लगेगा, ज़्यादा कुछ बनाने से इसका मामला और बिगड़ जाएगा ना। हाँ सर, सुंदर के चक्कर में और वो हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा करने के चक्कर में और हो जाएगा ना। यहाँ पे जैसे कि मट्टी उट्टी है ना, है ना, ये सब पीछे चीज़ बना रहे हैं, ये ऐसे सेट डाल रहे हैं, समझो कि झाड़ी वाड़ी हो ना, है ना, या फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, ऐसे, है ना। अगर इतना छोड़ देंगे तो इसी पे हमारा नज़र जाएगा ना, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल करने से ख़राब हो जाएगा, इसका मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ सेट से डालते हैं, ठीक है ना। अब ये पेड़ में तो सेट डालना भूल ही गए हम लोग, है ना, तो क्यों ना थोड़ा सा इसमें भी कर लेते हैं। हाँ सर, है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से सेट डालते हैं, ठीक है, ये कुछ कुछ पत्ती को एकदम धूप में जैसे वाइट वाइट होता ना वैसे छोड़ देंगे, कैसे रहेगा बताओ, है ना। अब क्या इससे इसको मिलाना पड़ेगा अच्छे से ना, है ना, ये देखो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि इसे और अच्छे से डिटेल करके बनाओ ना, है ना, ठीक है। जहाँ जहाँ जो दिखता है वहाँ पर करने की कोशिश करो, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल तक अपने काम को ले जाओ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे नस जैसे निकल रहे, नहीं देखिए यहाँ पर ऐसे दे दी ना, यहाँ पे गड्ढा है, ये बाहर निकल रहा है इसे ना। जैसे हम इंसानों का मसल्स होता है ना, ऐसे लगता है कि पेड़ों का भी मसल्स होता है ना। हाँ सर, उनका एनाटॉमी अलग है, उसका एनाटॉमी अलग है, हमारा थोड़ा सा अलग है ना। हाँ सर, और है तो दोनों का, ठीक है, उसमें भी सुनते जान है, हम में भी जान है, ठीक है, उसका भी एनाटॉमी है, बस तरीका कि उसका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। तो हमें पेड़ों का भी एनाटॉमी को समझना पड़ेगा ना, है ना, ऐसे लाइन वाइन खींच देने से ऐसा नहीं कि पेड़ बन जाएगा, ठीक है, इसको बस समझना है, और कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना। ऐसी बातें बोल के हम ऐसा नहीं डरा रहे, बस आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ये सब करने में मज़ा आने लगे ना। आप लोग किताब कॉपी से बाहर निकलो, है ना, कॉपी वर्क से बाहर निकलो, इस सीन में ना चार चंद लग जाएगा, जब पीछे में कुछ कुछ पेड़ बन जाएगा ना, लेकिन पीछे का जो पेड़ बनाएंगे ना वो हल्का बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नज़र इस पर जाना है ना, है ना, पीछे बस पेड़ का ना एक एहसास दिलाएंगे कि पेड़ है, ठीक है। इस तरह शेडिंग करते करते भी डाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं डिटेल नहीं डालेंगे, बस ऐसे करेंगे कि पेड़ है, कम कम दिखा देना, ब्लर ब्लर दिखा दे, ठीक है, देखिए ना ऐसे देखना, है ना, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ पेड़ बनाने पीछे तो अच्छा लगेगा ना, इसमें देखो खूबसूरती का इसका चार चांद लग जाएगा ना, है ना। तो इस सेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है, कैसे हम लोग कंपोज करते हैं, ठीक है ना, कंपोज मतलब सजाना, है ना, है ना, ऐसे देखो कितना सजा हुआ दिख रहा है ना ये, है ना। और ऐसे पत्थर कैसा लग रहा था, आप कैसा लग रहा है बताओ? अब तो बहुत मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, है ना, ठीक है, ऐसे करके।
है ना। ठीक है ना, यहाँ पे इसको ब्लर करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड डाल दे तो वो ब्लर हो जाएगा ना, दूर चला जाएगा ना, है ना। जैसे एक है ना डर के आगे जीत है ना, तो ये वैसा ही है कि हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहे, दिमाग के आगे जीत है ना, है ना, है ना। यहाँ पे देखो ना हम लोग क्या है एक, और जब भी नया चीज़ दिमाग लगा के बनाते हैं तो कितना मज़ा आता है ना देख करके वो, है ना। ठीक है, तो एक हमारे फील्ड में क्या है कि मस्ती भी है, काम भी है, पैसा भी है ना। ठीक है, और हमें कभी बोरियत भी महसूस नहीं होता कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, है ना। कभी ऐसा कभी फील हुआ कि लगा हो कि नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? नहीं सर, इसमें बोर नहीं, मज़ा ही आता है, बोरिंग नहीं लगता ना, है ना। ऐसे ही ठीक है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये, देखना है ना। अगर इसी को छोटे पार्ट को अगर हम लोग कलर करते तो बहुत मस्त लगता है, मस्त लगेगा ना। ठीक है, तो पीछे ना एक सीन जैसा क्रिएट कर दिए ना इसको। ठीक है, और अब तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।